हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। बीते दिनों भारी हिमपात और बारिश ने मुनस्यारी धारचूला क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने बताया कि नाला लेक के पास प्राचीन मंदिर में पूजा करने के लिए आई 8 महिलाएं व पुरुष बर्फबारी के चलते बंद हुए मार्ग में फंस गए थे। वहीं सूचना मिलने पर SDRF टीम ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वहीं थल मुनस्यारी मोटर मार्ग भी बर्फबारी के कारण बंद हो गया, जिसे आज शाम तक खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जनपद में सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर लिए गए हैं। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर निवासी या यात्री यहां सूचना दे सकते हैं। दिखा के कुछ लोग ऊपर नाला लेक के आसपास में उनका पुराना मंदिर था, वहां पूजा के लिए गए थे, जिससे बर्फबारी के कारण वो लोग वहां फंस गए थे, जिनमें से 8 महिलाएं और 8 पुरुष थे। उनको SDRF के द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा थल मुनस्यारी मोटर मार्ग बर्फ के कारण बंद हो गया था, जो आज शाम तक खुल जाएगा। बाकी जनपद में सभी सड़क मार्ग खुले हुए हैं। मुनस्यारी पे पर्यटकों के आने के लिए जौलजीबी मुनस्यारी मार्ग खुला हुआ है। अगर कोई पर्यटक वहाँ जाना चाह रहे हैं या वहाँ से आना चाह रहे हैं, तो जौलजीबी वाला रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। और अन्य सभी जगह पे शीतलहर को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है, ठंड से बचने के लिए किसी और परेशानी पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिनमें अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।